हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगी आप घर पे किस तरीके से अपने हाथ पैरों का रंग निखार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कहीं टैनिंग हो रखी है या आपकी घुटने जिसे बोलते हैं ना कोहनियाँ काली पड़ गई हैं, घुटने काले पड़ गए हैं, या आपकी उंगलियों के गट्टे जिसे बोलते हैं ना काले पड़ जाते हैं, स्पेशली सर्दियों में तो ज़्यादा सुनने को मिलता है कि हमारे हाथ पैरों का रंग काफ़ी डल हो गया है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं उन्हीं सबका बढ़िया सा इलाज लेकर के आई हूँ, घरेलू नुस्खा लेकर के आई हूँ, जो बहुत ही अच्छा होने वाला है। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो बहुत ही आसान, सिर्फ एक या दो चीज़ को लेना है आपसे, उसको यूज़ करने से आपके हाथ पैरों का रंग निखरेगा, डेड सेल रिमूव होगी, क्योंकि सर्दियों में अक्सर हम लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, पैचिनेस हो जाती है, जिसकी वजह से इस पर डेड सेल रिमूव होती है, ब्लैकहेड हो जाते हैं, क्योंकि हम स्क्रबिंग नहीं करते। फेस की तो कर लेते हैं, बॉडी की करना तो बहुत बड़ी बात होती है, मतलब बॉडी स्क्रब तो हम करते नहीं, जिसकी वजह से ब्लैकहेड इकट्ठा हो जाते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से मेरे हाथ पैर काफ़ी डल हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं नुस्खा लेकर के, उसे बनाना भी बहुत ही आसान है, आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे हफ्ते में 2-3 बार भी यूज़ करके देखेंगे तो भी आपको उसे इफेक्ट देखने को मिलेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आई चलिए दोस्तों, देखते हैं इसे बनाना कैसे। तो दोस्तों, करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको सब एक नींबू लेना है, उसको इस तरीके से आधे पार्ट में डिवाइड करना है। मैंने आधा पार्ट लिया। अब आपको क्या लेना है, अब आपको शक्कर लेनी है। जी हाँ दोस्तों, तो शक्कर भी आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब लेनी है। आपको जैसे मैंने देखा, इस तरीके से नींबू लीजिए, उसमें इस शक्कर को ऐसे लगाना है आपको। आप चाहे तो अलग भी ले सकते हैं, मैं आपको इस तरीके से आपको अपने नींबू पे इस शक्कर को लगाना है। अब आपको जिस एरिया की स्क्रबिंग करनी है, जी हाँ, उस एरिया में हम इसको लगाएंगे। तो बस आप जैसे मैं आपको बताने के लिए अपने हाथों पे अप्लाई करके बता रही हूँ, तो सेम इसी तरीके से आपको करना है। आपको अपने कांजर पार्ट की भी करना है, आप वो ले लीजिए। पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लिए हल्के गर्म पानी से, उसके बाद हमें ये अप्लाई करना है। तो मैंने ऑलरेडी अपने हाथों को धो लिया है। अब जैसे मैंने आपको बताया है, सेम उसी तरीके से आपको भी लेना है नींबू, और इसे हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे ताकि हमारे जो है डेड सेल, आप चाहें तो कोई कपड़ा भी, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करी तो टॉवल या कोई कपड़ा भी लगा सकते हैं ताकि शक्कर घेरे नहीं। तो मैंने ऑलरेडी ऐसे ही किया। अब हमें इसी तरीके सर्कुलर मोशन में इसे अप्लाई करना है ताकि जो हमारी जो शक्कर है वो मेल्ट हो जाए और अच्छे से हमारी उस एरिया की स्क्रबिंग भी हो जाए। सेम इसी तरीके से हम इसमें शक्कर लगाएंगे और स्क्रबिंग करते रहेंगे ताकि क्या होगा कि डेड सेल रिमूव हो जाएगा और नींबू आपके सारे जो दाग धब्बे हैं उसको दूर कर देगा। तो बस आपको इसी तरीके से करना है, मैं आपको अपने हाथों जैसे बता रही थी, इस तरीके से आपको लगा के इसे 15 से 20 मिनटों के लिए लगा करके छोड़ देना है। और आप इसे सिर्फ कुछ दिन में अप्लाई करके देखिए, आपको इसका साफ रिजल्ट समझ में आएगा, क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है और आप सब जानते हैं कि विटामिन सी हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। विटामिन सी में स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी होती है, हमारे सारे जितने भी बोलूंगी ना जितने स्पॉट्स होते हैं उन सबको रिमूव करके, सारे इम्प्योरिटी को दूर करके आप स्किन को बिल्कुल क्लियर बनाता है। तो अगर आप समझ गए, अगर आप नींबू और शक्कर को यूज़ करते हैं, शक्कर हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाता है, आपकी हेयर ग्रोथ को भी बहुत कम करता है, तो आप समझिए कितना अच्छा है ये स्क्रब है हमारे लिए। सेम इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। मैं हाथों से इसलिए मैंने जैसे बताया इस तरीके से किया, हाथों से मैं इसलिए कर बता रही हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ जाए आपको क्या करना है। बस हल्के हाथों से आप थोड़ी शक्कर अगर रहेगी तो आप हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं और बस हमें इसे लगा के छोड़ देना है 15 से 20 मिनटों के लिए ताकि ये सूख जाए। उसके बाद हमें इसे हल्के गर्म पानी से वॉश कर लेना है। तो दोस्तों, 15 से 20 मिनट हो चुके, अब हमें क्या करना है, मैंने जिस जहाँ की आपको स्क्रबिंग करके दिखाई, अब मैं उसको वॉश करके आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपने हैंड वॉश कर लिया है और मैं अपने टॉवल से इसे अच्छे से पैड ड्राई कर लेती हूँ। मैं आपको पास से कैमरे में दिखा सकती हूँ, आप देख सकते हैं मेरी स्किन जो है बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही है शक्कर की वजह से, और मेरी स्किन काफ़ी निखरी लग रही है। आपको शायद कैमरे में नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन मैं उन्हें खुद लगाया और मैं बता रही हूँ मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट लग रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, नेचुरल रेमेडी, मैंने जैसे हमेशा अपने वीडियो में कहा है कि नेचुरल रेमेडी हमेशा टाइम लेती, ऐसा नहीं है कि एक बार लगाओगे तो बिल्कुल आपके हाथ पैरों का रंग निखर जाएगा। आपको अगर इसने तो कहा था कि एक बार लगा लो तो रंग निखर जाए, ऐसा नहीं, नेचुरल रेमेडी टाइम लेती। तो 2-3 बार अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो आपको इसका फर्क समझ में आ जाएगा। जी हाँ, और आप इसे हफ्ते में 3 से 4 बार भी लगा सकते हो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल है। आप इसे जहाँ भी, जिस एरिया में आपको टैनिंग हो रखी है, आपके हाथ पैरों का रंग डल हो गया, आप इसे अपने फोटो स्क्रब की तरह भी यूज़ कर सकते हो, नीज पे, एल्बोज पे, या आपके अपर लिप्स पे, जहाँ भी आपको टैनिंग हो रखी है उस एरिया में आप इसे लगा करके इसे मसाज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे शक्कर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।